सी हो यार। आप ही की बातें कर रहा था, मैं कह रहा था जूही मैम कितनी कड़क लग रही है, मतलब बड़ी प्यारी। कहा था ना मैंने जज बनना, ना जज बनना कहा था ना मैंने। जूजी आई एम सो हैप्पी। इन्होंने कहा कि आपने कहा कि तब्बू आएगी शो पे तभी मैं आऊंगी। थैंक्स थैंक्स सो मच। रियली मैंने ऐसा कहा? अरे इन्होंने मुझे तो दूसरी कहानी बता दी। हाँ क्या? मुझे फोन करके बोला कि तब्बू बड़ा कह रही है कि जूही आएगी शो पे तो ही मैं आऊंगी। हैं ऐसा कहा? ये क्या है मतलब इसका? ये झूठ बोल रहा था मेरे से ये। चलो अभी आप चलो। मैम इस वाले पे भी ये बुरा मान जाता है। जोर से कितना से मारूं? हाय आदिया मैम, थैंक यू। सॉरी हमने आप दोनों से झूठ बोला है कि उन्होंने फोन किया, हमने कहा उन्होंने फोन किया। लेकिन आप जनता की भारी डिमांड पे बुलाई गई है मैम। सारी ऑडियंस जो आपके फैंस हैं, आपसे प्यार करते हैं, वो आप दोनों को एक साथ देखना चाहते थे, इसीलिए तब्बू मैम और जूही मैम हमने आप दोनों को एक साथ बुलाया। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। 15 साल हाँ 15 साल पहले हमने काम किया था साथ। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में साथ में काम किया था। क्या बात है। उसके बाद मैम एक साथ आप फिल्मों में क्यों नहीं? आप दोनों महंगी हीरोइनें थी या प्रोड्यूसर अफोर्ड नहीं कर पाए आप दोनों? बिल्कुल आपने खुद ही बोल दिया। मतलब हाँ महंगी वाली हीरोइनें थी। डिमांड्स काफी बड़ी बड़ी है हमारे भाई। ये क्या है, साइकिल बनी? आप लोगों ने कभी ट्रक के ऊपर साइकिल देखी है? देखी है। तब्बू जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया तब्बू जी, क्या बात है। आप तो चीनी कम है, आज ब्राउन शुगर लग रही है। बहुत जूही जी के लिए करी जा रहे हो? ये यहाँ फिनाइल बेचने आई है? तो भी आया ना करो। क्या निकाल रहा है? अच्छा दिखता नहीं इसको। नजदीक की नजर के चश्मे दिखा पाजी। खूबसूरत दो दो हीरोइने बैठी हैं तो तब्बू जी बहुत बढ़िया लग, क्या हॉट लग रही है यार तब्बू जी। दृश्यम देखी हमने, दृश्यम में तो कमाल की, मतलब एकदम हॉट इंस्पेक्टर। अभी तक ऐसे कभी कोई फिल्म में नहीं आया है कि नहीं? मैं सच्ची बता रहा हूँ मिका पाजी, अगर दृश्यम में अजय देवगन की जगह मैं होता ना, ओए होए, तो सच्ची में पूरी पिक्चर में आपको भगाता नहीं, पहले ही सरेंडर हो जाता, मुझे पकड़ लो। नॉकअप में लेकर जाओ, डंडे मारो, लेकिन हवलदार को मत भेजना, आप रोजाना डंडे मारो। तैयार। अरे एक मिनट, अरे बातों में एक चीज है कि जूही मैम आप लोग काम करिए, छुप जाइए जल्दी से। क्या हुआ? अरे वो आने वाला है मेरा बाप बनवारी लाल पागल। हाँ अरे उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन उसको भी पता चला है कि आप दोनों यहाँ पर है, कहता है मैं आके शादी करके रहूंगा, दोनों में से एक से शादी करूंगा। अरे ऐसे क्यों? हाँ सच्ची। हाँ मैम आप प्लीज चले जाइए, जूही मैम आपकी तो रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन ये प्लॉट खाली है अभी, ऐसा ना हो मैम आप पे नजर मारते वो। बनवारी हूँ, पप्पू का डैडी हूँ मैं, डैडी हूँ मैं, शादी के लिए रेडी हूँ मैं। बचना ऐ हसीनों, ये लड़का छा गया, तब्बू जूही को पिटाने आ गया। ओ, बस इतना पैसे दिए उतना भी आया करो यार। ये हंसी रो रही है, कौन आया? जी आपके पास 10 मिनट होंगे, छोटी सी शादी करनी बस, और कोई काम नहीं खास, थोड़ा टाइम। आपको शादी करनी है? अरे यार क्या हो गया मेरे को, मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बच्चों के लिए कर रहा हूँ, इनको हस्ती खेलती माँ मिल जाए, क्योंकि हस्ती तो रहती, कभी कभी ताश भी खेलती है, हस्ती खेलती माँ ऐसी मिलनी। अरे वैसी वैसी नहीं, बहुत अमीर है समझे। और बिना पैसों के शादी करोगे कैसे? एक बार शादी होगी, पैसे की कोई कमी नहीं। जय मेहता दी। ये क्या बात? अरे यार मैंने वो वैसे बोल दिया हंसाने के लिए, वैसे मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है।
इतना प्यार करता हूँ, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। विदाई होगी तो आप रोएंगी, मैं विदाई भी नहीं करानी, मैं आपके घर पे रह लूंगा एक बार शादी कर लो तो। ओ बाबू जी, मेरे येड़े बाबू जी, वो आपसे शादी करेंगी क्यों? क्यों? क्योंकि आई लव यू किरण, आई लव यू किरण, मैं बड़ा प्यार करता हूँ। पापा अब मैं आपको क्या बताऊँ, सुनो इनकी ना ऑलरेडी शादी हो चुकी है। अच्छा। लाइन मारना है तो वहाँ आइए, तब्बू जी सिंगल हैं। इनकी शादी हो चुकी है? हाँ। मेरे को पहले बताते, जितनी तारीफ की उधर उतनी तारीफ की, तब तक मेरे कार्ड भी छप जाने थे। आइए इधर, एक कार्ड छप जा। क्या है यार, मेरा क्या है, अपना तो काम दर। मैं तो लाइक ही नहीं करता, इसका मजाक कर रहा था। नहीं सच्ची में, नहीं क्या जो है, क्या खूबी है बता दो, एक भी खूबी बता दो, क्या है? सिर्फ सुंदर, सिर्फ मिस इंडिया, सिर्फ स्मार्ट, टैलेंटेड, सुपरस्टार, और क्या है? ये तो कोई भी लड़की नहीं बन सकती। थोड़ा कुछ नहीं है, और वैसे भी पैसे वैसा क्या है, पैसा आज मेहता साहब के पास है तो कल फिर उनके पास ही, मेरे पास तो आना ही नहीं। कोई बात नहीं, दौलत गई भाड़ में, मैं आपसे शादी करूंगा, झोपड़े में रह लेंगे। नहीं नहीं, आप मेरे झोपड़े में रह लेंगे मेरे साथ। क्यों? अरे वो बहुत अमीर है, आपके झोपड़े में क्यों रहेंगी वो आपके साथ? मेरे साथ रहेंगी। आपके साथ क्यों रहूंगी? लेकिन ये क्या बात कर रही, इतना बड़ा फैन है आप मेरी? अरे अंकल, ये हो, मैं डैनी के घर में रह सकती हूँ, आप मेरे साथ नहीं रह सकती? अरे पैसे हैं क्या आपके पास? पैसा वैसा हो तो बताइए, तब आएंगी। और क्या नहीं तो, और आप इनसे कितने बड़े हैं? अरे बड़े क्या, 18 का हूँ मैं। जितनी बची है वो मत बताओ। आपकी उम्र पूछ रहे हैं, ये बुढ़ा मेरा बाप, मैं बताऊं पाजी, इतना बुढ़ा आदमी है, निरूपा रॉय को इसने गोद में खिलाया, मैं सच्ची बता। एक मिनट इधर। मैं जूही जी आपसे इतना प्यार करता हूँ, एक बार मेरी शादी करवा दो तब्बू से बस। एक मिनट यार, आप इनसे करते हैं शादी, उनसे करना चाहते हैं? यार इनकी शादी हो चुकी, मैं किसी का घर खराब थोड़ी करूंगा, ये सिंगल है तो इधर ही करूँ। मेरी भी फिक्स हो गई आज सुबह। धोखेबाज हो, मेरी बात नहीं समझी तुम? अरे जब भी इसको रोक, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ऐसे गाड़ी करके निकल जाती है। छोड़ो यार, और तू मेरे सामने अपने पति के साथ घूमती रहती, कभी ये देखा? कभी ये देखा कि किसी को इश्क हुआ? कैसे हुआ, कुछ बात की कभी? घूंघट की आड़ में जो मर्जी करी जाओगी। अगर ऐसी बात है तो मिस्टर मिस्टर लोहा, तेरी आंखों का जादू, जादू तेरे नजर, रुक रुक, अरे बाबा रुक, भागो आप यहां से, चलो रुक रुक रुक, बदतमीज यार। पप्पू यार, तेरे बाप को गधा समझते थे, लेकिन वो तो तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट निकला, गधा तो तू है। बाजी करना, गधा तो मैं हूँ। बरसात में जैसे कीड़े निकलते हैं ना, ऐसे हमारे घर पे अलग अलग कैरेक्टर निकलते रहते हैं।